हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है पैशन प्ले, जिसे डायरेक्ट किया है मिच ग्लेजर ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 4.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम नेट नाम के बंदे को देखते हैं। वो एक ट्रम्पेट प्लेयर है। जब वो यंग था तब बहुत ही फेमस हुआ करता था। अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो स्ट्रीट पर आता है तब एक आदमी उसे मारकर गाड़ी में डालता है और एक जगह पर ले जाता है। नेट समझ गया वो उसे मारने वाला है। सुनसान जगह पर वो गाड़ी रोकता है और जब वो नेट को मारने वाला था तब उसे अचानक गोलियां लग गईं। शायद उस आदमी के कोई और भी दुश्मन थे। नेट की जान बच जाती है। जिसने उसे गोली मारी थी वो आदमी उसके पास आया और उसके पास से कुछ लिया और फिर वहाँ से चला जाता है। नेट टाउन से बहुत दूर था इसलिए उसे चलकर ही जाना पड़ता है। फिर उसकी नज़र एक सर्कस पर पड़ती है। यहाँ पर वो एक परफॉर्मर से फ़ोन के लिए पूछता है। जब वो ये ढूंढ रहा था तब उसकी नज़र लिली नाम की लड़की पर पड़ती है। वो एक बॉक्स में थी और उसने एंजल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत है। नेट उसमें इंटरेस्टेड हो गया। वो उसे पास से देखना चाहता था। बाहर आकर वो उसके ट्रेलर तक पहुंच जाता है। लिली गुस्से में उससे कहती है, तुमने पैसे पे किए थे, अब शो ख़त्म हो चुका है। अगर तुम फिर से आए तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे। नेट कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं इसी टाउन में ट्रम्पेट बजा रहा था, अब मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ, प्लीज़ मुझे ड्रिंक ऑफर करो, ड्रिंक के बाद मैं चला जाऊंगा। लिली भी इसके लिए मान जाती है। नेट को अपना नसीब बहुत अच्छा लगा। एक घंटे पहले वो मरने वाला था लेकिन अब वो एक एंजल के साथ है। वो उससे पूछता है, क्या तुम कभी अमेरिका गई हो? ये एक्चुअल में मैक्सिको में है। वो कहती है, मैं जाना चाहती हूँ। लिली की इंग्लिश बहुत अच्छी है जो उसने मूवीज देखकर सीखी है। लिली के विंग्स की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। नेट कहता है, इसे उतारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है, मैंने कोशिश की है। लिली कहती है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेट जाते जाते कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से भागने में हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिली इसके लिए मना कर देती है। जब वो बाहर आया तब वो खिड़की से लिली के विंग्स देखता है। वो अब अपने विंग्स निकालने की कोशिश कर रही थी। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, ये उसके एक्चुअल विंग्स होते हैं। रियलिटी में ही वो एक एंजल है। लिली ने नेट को अपने ट्रेलर में आने दिया। इसके पीछे एक रीज़न था। अपनी यंग एज में नेट बहुत ही फेमस ट्रम्पेट था और वो उसके गाने अब भी सुनती है। बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर लेते हैं। ये लिली का बॉस था जो उससे कहता है, तुम लिली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो? मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों से ही बचाता हुआ आ रहा हूँ। वो एक जगह पर डस्टबिन में मुझे पड़ी हुई मिली थी, मैंने उसे लाइफ दी है। वो नेट पर बहुत गुस्सा हो गया, उसे मारने लगता है। तभी लिली एक गाड़ी के साथ टेंट में घुस जाती है। उसने नेट को बचा लिया। फिर ये काफ़ी दूर आकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ से नेट अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तब उसे पता चलता है अभी अभी उस पर जो हमला हुआ था वो एक गैंगस्टर ने करवाया हुआ था। इसके पीछे का रीज़न ये था, वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। नेट अपने फ्रेंड से कहता है, उस गैंगस्टर के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। उसकी फ्रेंड कहती है, वो तुम्हें मार डालेगा। कॉल चलते टाइम वो लिली को देख रहा था जो उड़ने का ट्राई कर रही थी। वो थोड़ा सा आसमान में फ्लोट भी करने लग गई थी। वो उसे देखता ही रह गया। वो उसके पास आता है। तब वो कहती है, इन विंग्स के लिए मैं ज़रा बड़ी हूँ, अगर ये सही विंग्स होते तो मैं आराम से फ्लोट कर सकती हूँ। नेट एक्साइटेड होकर उसके पिक्चर्स लेता है। गाड़ी में लिली नेट से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नेट कहता है, मैं एक गैंगस्टर की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए मुझे मारने के लिए उसने एक गुंडे को भेजा हुआ था। लिली पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करते थे? नेट कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिली को ये थोड़ा सैड लगा। नेट पूछता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे भी बहुत सारे लवर होंगे। इसके बाद ये दोनों एक मोटल में आ गए। फिर लिली यहाँ की बालकनी पर खड़ी थी। लिली यहाँ से ओसेन को स्मेल कर सकती थी, उसने अब तक सी नहीं देखा था। नेट कहता है, सी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, एक दिन मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। लिली के विंग्स उसे हट कर रहे थे। उसने अपना जैकेट निकाल लिया और वो अपने विंग्स ओपन करती है। नेट अभी भी बहुत सरप्राइज था। वो कहता है, ये कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा इन विंग्स को देख कर सरप्राइज रहेगा। लिली को ये सुनकर बुरा लग गया। उसे लगता है वो बहुत ही अजीब है, इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करती, उसे सबकी तरह नॉर्मल होना था। नेट उसे सॉरी कहता है। अगली सुबह लिली वहाँ से गायब हो गई थी। नेट उठने के बाद उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। जब वो बाहर आता है तब एक आदमी उसे कहता है, वो तुम्हारा ट्रक लेकर चली गई, जाने से पहले उसने कॉल भी लगाया था। नेट फोन बूथ पर आता है और उसने डायल पैड पर पेंसिल से स्क्रैच किया। कॉल करने पर उसे पता चला ये एक डॉक्टर का एड्रेस था। वो जल्दी से इस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लिली अपने विंग्स निकलवाने के लिए इस डॉक्टर के पास आई हुई थी।
नेट ने उसे जाकर रोक लिया। वो लिली को समझाता है, तुम अमेजिंग हो, डॉक्टर कहते हैं लेकिन ये नॉर्मल नहीं। नेट कहता है नॉर्मल होने से क्या प्राइज मिल जाएगा। लिली जैसी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लिली को भी फर्स्ट टाइम किसी ने एक्सेप्ट किया, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर नेट ने उस डॉक्टर को धमकी दी, अगर इसके बारे में किसी को भी पता लगा तब वो उसे मार डालेगा। इस सिटी में आकर नेट फिर से अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम उस गैंगस्टर के साथ डील करने वाले हो। नेट लिली के बारे में अपनी फ्रेंड को बताता है। उसकी फ्रेंड ने कहा वो लिली को बर्बाद कर देगा। नेट कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं भी हमेशा उसके साथ रहूंगा, मैं सिर्फ उसके फ्यूचर का एक पार्ट उसे दे रहा हूँ। नेट लिली को बेच देने वाला था लेकिन फिर भी वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। उसकी फ्रेंड ने पूछा लिली में ऐसा क्या है जो सब लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली देखते हैं गैंगस्टर को उसने फोटोज दिखाए। वो गैंगस्टर रियलिटी में इस पर बिलीव नहीं करता लेकिन वो ये चांस छोड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गैंगस्टर कहता है अगर मैंने तुम्हें यहीं मार डाला तो मुझे उसके पास जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। नेट कहता है मुझे पता है वो कहाँ है, अगर थोड़ी देर में मैंने अपने फ्रेंड को कॉल नहीं किया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। गैंगस्टर नेट को मारना चाहता था लेकिन अपनी जान के बदले वो लिली को दे देता है। लिली जो भी अर्निंग करेगी इसका कुछ परसेंट वो हमेशा लेता रहेगा। गैंगस्टर कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन रियलिटी में मुझे उसे देखना पड़ेगा। फिर ये एक कंसर्ट की जगह मीटिंग फिक्स करते हैं। अगले दिन एक जगह पर आकर लिली और नेट हैंग आउट कर रहे थे। लिली पूछती है तुम तो बहुत फेमस थे फिर तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे बुरी आदतें पड़ गईं ड्रग्स वगैरह की जिससे मैं बर्बाद हो गया। गैंगस्टर उस कंसर्ट की जगह पर पहुंचा तब एक लड़की आकर उसे बायनाकुलर देकर चली गई। ये एक ओपन कॉन्सर्ट था तो दूर से वो लिली और नेट को देख सकता है। नेट किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर लिली ने अपने विंग्स ओपन कर दिए। गैंगस्टर भी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसने अपने आदमियों को कहा जाओ और नेट को मार डालो, उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। नेट और लिली दूर थे तो जल्दी से वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गैंगस्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, उसे नेट के साथ डील करनी ही पड़ेगी। रात में जब लिली और नेट अपने मोटेल पर आते हैं तब नेट कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। वो उसे एक बड़े से थिएटर में लेकर आता है। वहाँ पर सी की पेंटिंग थी, वो फेक थी। लिली ने यह देखा लेकिन फिर भी उसे ब्यूटीफुल लगा। वो नेट से पूछती है क्या कभी तुमने शादी की थी। वो कहता है हाँ मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी अब डेथ हो चुकी है। लिली नेट से उसका ट्रम्पेट सुनना चाहती थी। नेट भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी धुन बजाता है। लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है ये सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, एक मूवी की तरह। फिर वो उसके साथ डांस करती है। उसने कहा मुझे किस करो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेट ने फिर लिली को अपनी वाइफ के बारे में बताया। नेट ड्रग्स करता था जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी ड्रग्स करने लग गई। उसने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था, उसे बहुत बुरा लगा था। आज रात इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं। अगली सुबह होने पर गैंगस्टर अचानक उनके रूम में पहुंच जाता है। वो उस पर चाकू लगाते हैं। गैंगस्टर का नाम हैप्पी होता है। हैप्पी लिली को सब कुछ बता देता है कि नेट उसे बेचना चाहता था। हैप्पी ने कहा तुम बहुत ही यूनिक हो, सबसे ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं रख सकता। वो उसे अपने लिए पाना चाहता था। वो कहता है तुम्हारा ऑडियंस सिर्फ मैं ही रहूँगा। वो लिली से कहता है मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो। लिली इसके लिए मान जाती है। हैप्पी नेट को मारने वाला था लेकिन लिली कहती है तुम दोनों की डील थी, वही डील हम कंटिन्यू करेंगे। लिली उसके साथ गई सिर्फ नेट को बचाने के लिए। नेट बहुत डिस्टर्ब था। वो अपनी फ्रेंड से कहता है मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। उसकी फ्रेंड इसके लिए उसकी हेल्प करती है। वो एक ट्रक लेकर गैंगस्टर के पास जाते हैं। वो ऐसा नाटक करते हैं कि गैंगस्टर ने कुछ घर पर मंगवाया हुआ था। गाड़ी से निकलकर नेट लिली के पास पहुंच जाता है। लिली हैप्पी के साथ मूवी देख रही थी। नेट कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हैप्पी मजाक में कहता है जाओ जाओ इसे लेकर जाओ, लेकिन उसके बहुत सारे लोग पीछे थे। वो उसे बाहर निकालने लगते हैं। लिली हैप्पी से कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेट को रात में लिली के सपने आते हैं। वो बहुत रोता है, उसे पैसों की ज़रूरत थी तो एक जगह ट्रम्पेट बजाने का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसका कुछ एडवांस उसने पहले ही ले लिया। अगले दिन हैप्पी लिली को एक बहुत ही बड़ी पार्टी में लेकर जाता है। वो लिली से कहता है मुझे ये जो हैप्पी नाम दिया गया है, इस नाम को लेकर वो अपने फादर पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। उसकी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक कोई भी हैप्पीनेस नहीं था लेकिन अब उसे सही लगता है। वो लिली के साथ है तो बहुत ही हैप्पीनेस है, अब उसे ये नाम सूट करता है। उसने लिली को डायमंड का नेकलेस दिया। इस पार्टी को देखकर लिली सरप्राइज थी। इसी पार्टी में नेट ट्रम्पेट बजा रहा था।
हैप्पी का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ कुछ लोग थे। जब वो बिजी हुआ तब नेट और लिली फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं। लिली उससे कुछ भी बात नहीं करती, फिर हैप्पी उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद नेट एक बार में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। एक लड़की से वो बात करता है और वो उसे डायरेक्टली घर पर लेकर आती है। उसकी बॉडी पर भी एंजल के टैटू थे। नेट उसे इंटीमेट होने के लिए मना कर रहा था। इस लड़की के हाथ में कोकेन भी था, वो उसे ज़बरदस्ती दे देती है। एक्चुअल में जिस आदमी से नेट लिली को चुरा कर लेकर आया था, ये सब उसी का प्लान था। वो उसे ओवरडोज करके मार डालना चाहता था। उसे लगता है अब वो मर जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद लिली का एड्रेस पता करके वो उसके घर में घुस जाता है। वो लिली से कहता है मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर हो। वो उसे फिर से अपने साथ लेकर जाना चाहता था। हैप्पी ने ये सब देखा और वो उसे मार डालता है। उसे लिली पर शक हो गया। उसे लगा लिली उसके साथ भाग जाने वाली थी। वो गुस्से में लिली को बहुत मारता है और अपने क्लब में एक बॉक्स में कैद करके उसे सब लोगों को दिखाता है। लिली एक मिरेकल है, उसे देखने के लिए लोग बहुत सारे पैसे देने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं नेट के पास उसका फ्रेंड आया और वो उसे कहता है पुलिस हैप्पी के क्लब पर आज जाने वाली है, उसकी एंजल पकड़ी जाएगी। यहाँ नेट को पता चला हैप्पी लिली के साथ क्या कर रहा है। फिर वो गुस्से में अपनी फ्रेंड की मदद से उस क्लब में पहुँच जाता है। वो लिली के पास आया और उसे इस तरीके से एक बॉक्स में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिली भी उसे देखकर रो रही थी। हैप्पी उसके पास आकर कहता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। नेट उसे बहुत मारता है। हैप्पी के लोग इनके पास पहुंचते हैं। इससे पहले ही वो लिली को वहां से निकालकर भागने लगता है। भागते भागते वो टेरेस तक पहुंच जाते हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। नेट लिली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा। वो बहुत डर गई थी। वो कहती है मैंने ये पहले कभी भी नहीं किया है। वो कहता है तुम ये कर सकती हो। टेरेस का दरवाज़ा तोड़कर हैप्पी के आदमी पहुंच चुके थे। नेट लिली को किस करता है। नेट वहां से जंप कर देता है। लिली भी उसे बचाने के लिए जंप कर देती है और वो उसे पकड़कर फ्लाई करने लगती है। हैप्पी ये सब देखता ही रह गया। वो उसे फ्लाई करते करते बहुत दूर ले गई। तब इस मूवी का ट्विस्ट आता है। मूवी के फर्स्ट सीन में हमने देखा था नेट को मारने के लिए एक आदमी उसे लेकर गया था। ये दोनों जब उड़ रहे थे तब नेट ने फिर उसी उस स्पॉट को देखा। यहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है। जो भी हो रहा था ये सब उसका घोष्ट था। इस मूवी में नेट का करेक्टर एक डेमन का था और मूवी में हमें डेमन और एंजल की लव स्टोरी दिखाई गई है। अब ये दोनों इसी तरह एक साथ रहेंगे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।